न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी जन्माष्टमी पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में बात अगर रेवाड़ी की करने लगे तो शहर के बीच बाजार स्थित घंटेश्वर महादेव मंदिर से लेकर तमाम छोटे बड़े मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं शहर के मोहल्ला जैनपुर स्थित राधेश्याम मंदिर में श्री राधेश्याम सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा दिल्ली से खास फूल लाकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर में अनेक सुंदर और आकर्षक झांकियां तैयार की गई। इन झांकियों में जैनपुरी मोहल्ले के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजन समिति के संयोजक सतीश कुमार बंबू की माने तो इस मंदिर में पिछले 37 सालों से इसी तरह जन्माष्टमी महोत्सव श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और मंदिर में सजाई जाने वाली झांकियों को देखने के लिए पूरे शहर भर के लोग यहां पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में सजाई गई झांकियों के बीच खाटू वाले बाबा श्याम का भी खास दरबार लगाया गया है। इस दौरान सुंदर भजनों के साथ रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। यह तस्वीरें श्री राधेश्याम मंदिर की है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितने आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जन्माष्टमी मनाई जा रही है, सभी भक्तों से निवेदन है कि इस जन्माष्टमी मनाई जा रही है सभी पूरे देश वर्ष में, जिसमें श्री राधेश्याम मंदिर के प्रांगण में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आती है और नन्हे मुन्ने की झांकियां हर वर्ष ये 37 साल हो गए करते हुए और बहुत उमड़ कर यहाँ पब्लिक आती है। बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पर भीड़ बहुत भारी होती है और बहुत से बड़े बड़े ही काम ये मंदिर कर रहा है और आप सब भाइयों के सहयोग से ही ये कार्य चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। हम तो सेवक हैं, सेवा ही करते रहेंगे और श्री प्रभु राधेश्याम मंदिर की प्रांगण में जय जयकार यही होती रहेगी और जिसमें सब देश वर्ष के वासी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आप भी सभी जन आ रहे हैं, तो यही मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ही आते रहें और ऐसे ही अमन चमन तुम्हारा।